अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं घर कैरियर होंगे। तो सुबह सुबह का है टाइम और मैडम की है तबीयत खराब। मैंने कहा चलो आज नाश्ता मैं बना लेता हूँ। क्या ख्याल है बेटा? हाँ जी, करना नाश्ता जी। चल नाश्ता बना रहा हूँ, फिर लंच वगैरह करके मैं ऑफिस जाना। ठीक है? ठीक है। जैसे नाश्ता तैयार होता है आप मम्मा को कहना। तो जी इधर रखी हुई हमने चाय, और चाय भी हमारी पक रही है इस वक्त। और इधर हम पकाने लगे हैं पराठा। तो जी ये तकरीबन हाथ से ही बना हुआ है, तकरीबन कुछ जो है बेलने से बनाया है, बनाए छोटे छोटे। आगे देखते हैं हमारे साथ होती क्या जी। हाँ जी, आपकी मम्मा को पसंद आता भी है कि नहीं? आपने भी इतना छोटा बनाया था। अच्छा, मैं आपसे पूछ, आज आपने भी तो बनाया था। हाँ जी, ये पूछ रहा हूँ, आपने भी इतना छोटा बनाया। मैंने भी इतना ही बनाया था। हाँ जी, पापा जी इधर बना रहे हैं पराठे। कैसा बना? प्यारा। चलो मम्मा को उठाओ। हाँ जी यार, वो सूपी नहीं मिली। कौन सी? बर्तन धोने वाली। ओहो, तुमने यहाँ फसाई हुई है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैंने कहा चाय के लिए काफी धो लू, चाय डाल के फिर चलते हैं मम्मा पास। मम्मा तो रोज कराती है, आज मैंने कहा चलो हम करा दे नाश्ता। हाँ जी, क्या ख्याल है जी? है ना, मैंने कहा आज इन्हें जो है थोड़ा लेटने दो, आज जरा तबीयत जरा कल की ज्यादा खराब है, तो क्योंकि टेंशन और परेशानी भी है कि वो ऑपरेशन में ठीक आ रहा है इनका। ठीक है, और बाकी देखते हैं करें। क्या होता है क्या नहीं होता आगे, अल्लाह मियां हम सब पर अपनी रहमत बरसाए रखे। और जो मतलब जो बीमार है या जो मुश्किलात है, हम सब की मुश्किलात दूर फरमाए। तो ठीक है, आप जरा मम्मा को उठाओ। ठीक है, उठाओ मम्मा, पापा ने चाय भी रेडी की है ना। हाँ जी, जल्दी जाओ। ये हमारी इधर चाय भी तैयार हो गई है, और इधर पापा जी ने बनाया है अपने लिए अंडा, और हर बात में है इधर पराठे, छोटे और मोहम्मद को और पापा जी का और मम्मा जी का पराठे बन के तैयार हो गया है। ना करो मोहम्मद, बब्बू आया, चाय डालू। हाँ जी, है ना जी। चाय डालते फिर अंदर चलते। ठीक है, ठीक है। अब पापा जी डाल रहे हैं कपों में चाय। असल में तुम्हारी मम्मा जो है ना, वो चाय से पराठा बड़े शौक से खाती है। ठीक है, और नम से जो है बहुत कम खाती है, जो खैर बहुत कम खाया जाता है चाय से पराठा। पसंद तो मुझे भी है, लेकिन साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, अंडा या फिर सालन या चार। चाय हो गई हमारी रेडी, और अब चलते हैं मैडम को उठाने के लिए। ठीक है, हाँ जी, चले।
अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो जी मेरी थी तबीयत ख़राब ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हुई है। तो अब जन सा ना हमने बच्चों को नाश्ता वगैरह दिया बना कर, तो अब ये है मेरी गोद में जैसे धूप निकली है तो मुझे गर्म ने उठाया कि मैंने अपने काम पर जाना है और अब आप उठ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया हुआ। मैंने कहा अच्छा, चाय भी बनाई थी, पराठे भी बने हुए थे और खाए हैं, कहने मैंने वीडियोस भी बनाई हैं। मैंने कहा अच्छा जी मैं देख लूँगी, आपने वीडियो भी बनाई है, पराठे भी बनाए हैं। क्यों भाई जी उन्होंने कहा कह रहे पैसे? अच्छा मैं आपको पैसे देती हूँ। चीजी खानी है आपने? मैं इसलिए चीज़ खानी है और इस वक्त ये मेरी गोद में है। कौन है ऐसी चाहिए? अच्छा मेट्रो चॉकलेट। मेट्रो चॉकलेट क्या कह रहे हैं? अच्छा चलो मैं मंगवा कर देती हूँ, अभी पैसे देती हूँ, एक मिनट रुक तो जाओ। अच्छा आप किसके बेटे हो पहले मुझे ये बता दो। पैसे लेने मेरे बेटे तो पापा का बेटा है ये। अच्छा ये किसका बेटा है? ये पापा का बेटा है। और तहते किसकी बेटी है? आप तो कल कह रहे थे मम्मा आपकी बेटी है। कल कह रहे मुझे मम्मा जी, मैंने कहा जी मैं इसने ना जाना था वॉशरूम में, तो कहते हैं मम्मा जी मैं आपकी बेटी की जूती पहन जाऊं, मम्मा जी मैं आपकी बेटी की जूते पहन जाऊं। मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं ये, फिर दोबारा मैंने कहा तो मेरे पास आओ। कहते मम्मा जी मैं ना आपकी बेटी के ना जूते पहन के जा रहा हूँ। मैंने कहा बंदा ये पूछे अगर वो मेरी बेटी तो अभी तो मेरे बेटे हो वो भाई। नहीं ये गंदा बच्चा नहीं है, ये पारा बच्चा है। ये देखो ये देखो हंस रहा है, ये देखो हंस रहा है। कौन गंदी बच्ची है? गंदा चाचा गंदी बच्ची है? नहीं चाचा भी अच्छी बच्ची है। हाँ बस आप स्कूल जाया करो ना, फिर आप अच्छे बच्चे बन जाओगे। हाँ जी ये ना अगस्त में हो जाएगा और मोहम्मद 4 साल का, तो अभी दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जी ये नहीं, ये अगस्त में नहीं सच जून में, जून में मजी नहीं जून में, 20 जून को 20 जून और मैं जुलाई को, ये काका अगस्त को। हाँ ये जून नहीं, हाँ ये जून कक्षा जुलाई और ये अगस्त, ये जून जुलाई अगस्त हमारे घर में इकट्ठे हुए हैं। क्यों भाई? नहीं ये बड़ा नहीं हुआ अभी, वही दोनों जून, ये भी जून में रात वाले दिन हुआ था ना। गोलू पारी दे दो, पारी दे दो इधर, कटी पारी तो ले लो। अभी कह रहे मुझे प्यार करो, ये दोनों ना ऐसे होते हैं जब इसे प्यार करते हैं ना, ये कहते हैं हमसे तो करते नहीं है। मैंने कहा आप बड़े हो गए हो ना इसलिए, अभी ये छोटा छा है। अच्छा कहती मम्मा मार खाने का भी कब होगा? मैंने कहा नहीं होगा। आपको मारा है कभी? नहीं। फिर और इसका मारा है कभी? इसकी कभी जिद पर पड़ता है पता है ना। फिर ये क्या, ये कैसे मार खाने का भी होगा? आप थप्पड़ मार दी इसको, मेरा शहजादा थप्पड़ नहीं मारा करते, थप्पड़ नहीं मारा करते। दोनों लेकर आए हैं अब चीज और जी है, बैठ लो। तो जी जनाब आपकी तैयारी ठीक हो गया जी? तैयारी क्या अच्छा शूज लगे पहनने? हाँ जी क्या अच्छा क्या कर दिया? अच्छा थर्मस खाली कर दिया। चलो तो जी जनाब सर हमें दे इजाजत जी, हम जाए ठीक हो गया ख्याल ठीक है। और खत भी बनवा लें अपनी फिर ना? हाँ बनवाना था, कल तो डॉक्टर के पास चले गए थे रात, आज आगे बनवाता हूँ मैं खत। सही ठीक है, सही है। लेकिन डॉक्टर ने ऑपरेशन का बताया, उन्होंने कहा कि अंदर धागा है। हाँ जी धागा है, ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने धागा छोड़ दिया।
तो नहीं, वो जब टांके खोले ना जी जी, टांकों के बीच में धागा छोड़ दिया जिसने खोले, अच्छा वो धागे से इन्फेक्शन हो रहा है, अंदर नहीं छोड़ा, वो जो आपके जो अपेंडिक्स के टांके लगे थे जी जी, वो टांके जब कटे तो एक धागा फंसा हुआ, इसकी वजह से इन्फेक्शन हो। सही, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह, जो भी होगा बेहतर होगा, क्योंकि इन्फेक्शन हमेशा इसी धागे का होता है, काले धागे का, जो दूसरा धागा ना उसका इन्फेक्शन नहीं होता। सही, वो क्योंकि स्किन के साथ मर्ज, वो स्किन के साथ मर्ज कर जाता है। ऑन मोहम्मद के हाथ में छोटे का फीडर, फिर मैं यहाँ के सफाइयाँ वगैरह करूँ इसको फीडर पिला के, ये मेरा ऑन बाबा ले आया है जी छोटे का फीडर, मेरा पाला बच्चे पाने किसने गिराया है यहाँ पर? ऑन मोहम्मद, ऑन मोहम्मद बुरी बात है, चप्पल भी नहीं पहनी और ये कंघा उठाओ यहाँ से, आपने गिराया? उसने तो वहाँ पे कुएं पे फेंका है, कुएं पे फेंका है। चले जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह खैरियत से लेके जाए, अल्लाह खैरियत से लेकर आए, अल्लाह, ठीक है। पालक साग और बाथरूम, तो कदम ले जा रहे थे अपनी वर्किंग पे, जैसे घर जाने घर से निकलने लगे बाहर से आवाज आई, मैंने कहा साग ले लो, कहते नहीं तुम्हें तबीयत ठीक नहीं है ना लेना, मैंने कहा ये कुछ नहीं होता, तो मैंने कहा पकाने में मैं नहीं मरती, तो कहने लगे नहीं जान है तो जान है लेकिन नहीं नहीं लेना, मैंने कहा नहीं भाई लूंगी नहीं, तो फिर कह रहे उन्होंने आप ही तो मैं छोटे को भी झूला देती हूँ साथ, नहीं जाहिर है सर्दियों की सौगात है, फ्रिज हुआ हुआ ख़राब अभी तक, फ्रिज में मज़ा नहीं बना क्योंकि इसकी गैस ख़त्म हो चुकी है फ्रिज की गैस, तो बाकी देखिए अल्लाह बेहतर करेगा। साग तो फिर साग है, ये ना खाएं तो फिर सर्दी में फिर मज़ा ही नहीं आता है, और अब लगी इसे काटने, और धूप भी आज इतनी तेज नहीं है, बड़ी क्यों नहीं है धूप आज तेज, मौसम भी खराब है, मौसम भी खराब है, जुम्मे वाले दिन भी खराब था बहुत ज़्यादा, जी जी जुम्मे को बहुत खराब था, उन्होंने पाँव पीछे कर दिया, चलो ताकि मैं ना जल्दी से इसे काट कर और इसे पकाने वाली बनू, इसको झूला देना होता है उन्होंने, नहीं मेरा बच्चा आप इस चलते पे आ जाओ, छात वाली चल पाई पे है ना मेरा बेटा, क्या हो गया था? हाँ ऐसी ऐसी, हाँ हाँ आप आ जाओ इधर, आप मेरे पास आ जाओ, गदले लिए मैंने ये वाली, और ये बाथरूम जब तक बाथरूम ना डले साग का मजा नहीं आता, ठीक है क्या अक्षर, आप मेरे बेटे मुझे टप दे दो इसमें, मैं काट काट के रखती हूँ, और दोनों आप छापी लेकर आओ, आपको छापी में डाल डाल के डंडियाँ देती हूँ कि मुझे फिर तंग नहीं करेगा, फिर ये ना बकरी को डालता रहेगा, ले जाओ जाओ, बहुत सारे दिए इसको मैंने उठा कर डाला है बकरी पे, कह रहे कि पालक भी दे दो मुझे, मैं छोटे छोटे क्यों दिए, छोटे छोटे क्यों दिए, पालक तो मैं काट दी मोटी मोटी क्योंकि पालक तो घुल जाती है, असल टेंशन होती है इसकी, क्या कहते हैं जी जी, मैंने ना पालक जो सर दी आपको, ठीक है वो इतना शोर है ना पापा वालों का, यकीन करे सारा दिन जो सर सब में भी दर्द हो जाता है, नक उनके बच्चे ना दरअसल वो तंग करते अपनी माँ को, फिर माँ बच्चों पे बोलती है, अरे इसको मैंने काफी डंडियां दी हैं उतार उतार कर, ये लो जाओ डालो बकरी, बस ये काफी है क्योंकि पालक तो मैं काट दी हूँ थोड़ी मोटी मोटी, ये घुल जाती है लेकिन जो सा साग है ना वो नहीं घुलता, वो मैं बारीक काटूंगी, चलो ये क्या कट जाएगा, कुछ दोपहर में पक जाएगा, कुछ शाम में पक जाएगा जब गैस आएगा जी, अनु ये पालक है, ये पालक पालक और साग, ऐसे तो मेरे पास मशीन भी रखी है साग काटने वाली, लेकिन ये कौन सा, ये ज्यादा है तो थोड़ा सा ही है, एक किलो पालक लिए, ढाई किलो मैंने साग लिया जी जी, क्या दे दो, नहीं अब और नहीं देना, मैंने खुद इनको बना कर काट के तो रखा हुआ, चलो ये लो ये लूंगी, ये सारा दिन ऐसे ही करता रहता तंग ना, फिर किसी ना किसी चीज में, फिर किसी ना किसी चीज में, दे दो जल्दी से,
साग काट लेना, उसके बाद सफाई करते हैं घर की, ठीक हो गया? क्योंकि ये होगा कितने में गैस आ जाएगा, फिर हमारा घर का काम भी हो जाएगा। ये काम तो हो जाएगा ना, अगर हम सफाई करने बैठ जाए जब गैस आएगा तो हम फिर ये साग काटने बैठे फिर काम मुश्किल हो जाएगा। नहीं लेनी आपने? हाँ बस ठीक है, बाप आराम से प्यारा बच्चा बन गया। इधर तो देखो मोहम्मद। तो जी साग साग काट कर मैं चली गई थी उधर भाजी असला की तरफ, क्योंकि उधर मैंने डाली थी कमेटी, तो उनके पास गई थी। मैंने कहा इस बात भी मुझे नहीं दी, पिछले महीने भी मुझे नहीं दी, इस बात तो कमेटी मुझ पर रहम करे क्योंकि मेरा ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने बताया कि भाई मेरा ऑपरेशन में ना जो अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो उसमें धागा है, तो इस वजह से अंदर इन्फेक्शन है और दोबारा ऑपरेशन करना पड़ेगा ये वाला। वहाँ साग खाना ना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता उस जगह पर, क्योंकि एक तो वो जगह साफ नहीं है, इसलिए कहीं तो ना तो की आवाज़ आ गई थी, फिर मैंने कलीग अपना काट दिया था। तो जैसे मैंने बताया कि ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, तो मैंने सही ये कहा था, मैंने कहा बाजी आपने पिछले महीने भी नहीं दी, इस महीने भी नहीं दी कमेटी, तो मैंने कहा कुछ मेरे हाल पर भी अपना रहम खाए। तो पिछले महीने तो उसने कहा इकट्ठी नहीं हो सकी, तो मैंने कहा पिछले महीने हमारी शादी भी थी, हम फिर भी चुप कर गए, लेकिन अब तो दे दें, अगर नहीं देते तो फिर मैं कमेटी अपनी इंशाल्लाह वो तोड़ देती। तो दो तीन बार अच्छे से, तीन चार बार अच्छे से धुल जाएगा ना साग, तो फिर ये होगा कि मट्टी वगैरह बीच में नहीं आएगी। बाथरूम में होती है मट्टी ज़्यादा, बाथरूम वो रखा हुआ है वो भी धो लेंगे। और झाड़ू मैंने आते ही मैंने लगा ली थी, लेकिन टाकी रहती है लगाने वाली, अभी ना टाकी लगाते हैं। और दोपहर के लिए आटा ख़त्म था, फिर भाई आए, मैंने उन्हें कहा आटा ला दी, वो आटा लेकर आए, तो अब जैसे ना हम पकाएंगे। बाथरूम इधर दे दो, ये अलग धोंगी क्योंकि इसमें ना मट्टी काफ़ी ज़्यादा, साबुन को पहले धो लूँगी ना बाद में इसको काट लेंगे, सही है ना? ये देखो कितनी मट्टी है इसमें, फिर वो पूरे साग में ही मट्टी मट्टी हो जाती है, सारी गंदले जमसी है ना हो जाती है, ये किसको धो कर ना फिर मजीद काट लेंगे, लेकिन ये किसको साबुन को तो पहले धो लूँ ना अच्छे से, और ये भी धुल जाएगा। और नू आप इधर बैठो, ये क्रीम रोल फिर खा रहे हैं। तो कदम आ गया जो मुजफ्फर जतोई, नहीं मुजफ्फरगढ़ गया, नहीं जतोई गए, बता कर गए जतोई गए हैं वो, बाकी अल्लाह बेहतर करे जो भी होगा इंशाल्लाह। वो कह रहे हैं जितनी जल्द हो सकता है ऑपरेट करवा दें, लेकिन मुझमें भी हिम्मत नहीं है ऑपरेशन करवाते हैं। दूसरा हदमियों का है, वो कह रहे वो 3 महीने के बाद होगा। पानी गर्म करो, मौसम भी काफी ज्यादा खराब हो गया है, ऐसे लगता है जैसे कोई अभी बारिश आई। धूप भी नहीं है जरा सी, ये तो है, बहुत गर्म हो चुका है। तो चलो कुछ तो गलेगा ना, ये भी बाथरूम मैंने धोकर ना साबुन काट लिया है। रखू अंदर और टाकी लगाई थी, यहाँ का फर्श है गीला, त्रिकट्ठे हो जाएंगे बर्तन सारे, ये साथ ही धोगा, सही है ना भाई? देखिए परसों जब हमने दाल बनाई थी बाहर बची है कि नहीं बची, सर्दी तो थी, बचना तो चाहिए, आटा गूंथ लो पहले, अगर दाल खराब होगी होगी फिर ऐसा करेंगे कि 2 अंडे बना देंगे, प्याज का ठीक हो गया ना? हाँ जी, ये आटा इसे अंदर भर देते हैं बाल्टी में।
तो जी आटा गूंदने लग गया। अब सही ऐसे टाकियाँ रह गई हैं, जावे जैसे मैंने बताया लगा दी थी मैंने, और अब थक भी गई हूँ, पैदल चल के गई थी उधर संभालने में, फिर बाजी कोशी पर चली गई थी, फिर थापियाँ भी लेनी थी, फिर उसका बाजी से थापियाँ मिल गई। मैंने कहा मुझे एक गट्टू थापियों का दे दो, ये सुबह के टाइम भी गैस नहीं होता। अब ये समझ नहीं आई कि सुबह के टाइम गैस होता है, मगर हमारा क्यों नहीं था आज सुबह सुबह। तो भाई आज भुके गए हैं बगैर नाश्ता किए, आज मैं इनसे बात करती हूँ क्योंकि गैस का मीटर वो वाल इनकी तरफ है। नहीं तो, मामू दो दफा घर आए, पहले सुबह दुकान पे गए हैं फिर वापिस आए दुकान से। हाँ जी, दोनों दफा गैस नहीं था, लेकिन बाजी ने सेम कह दिया पूरे मोहल्ले का गैस था। हो सकता है इन्होंने वाल वगैरह बंद किया। हाँ जी चले पूछ लेते हैं। आटा गूंद गया हुआ है और मैंने कहा इसे ढक दो, ये दाल है ठीक है, दाल खराब नहीं हुई, इसमें कंडा डाल देते हैं। दाल के अंदर? जी जी जी। उन्हों गाड़ी उल्टा करती है, क्या करें इस लड़के का। और मोहम्मद नहीं, ये क्या दिन में गुजारा हो जाएगा, ये परसों की दाल हमने बनाई है, कर रहे हैं जी अपना गुजारा। अंडा लगी हुई मैं डाल दें, अंडा दाल अच्छे से बन जाएगी फिर ना। और आटा भी गूंदा ताजा है, ये वो बाजी सामने वाली को रख गई है अपने चावल, ये इधर रख दें ताकि वो आए और ले लें। ये आटा जो है ना बाल्टी में रखूंगा, फिर इसे छान कर बीच में डाल दूंगी क्योंकि मैं छान कर ही डाल देती थी ना सारा। और इसमें ना एक चम्मच जो है ना मिट्टी लोग घी की डाल दें ताकि अंडा नीचे लगे भी ना, अच्छे से इसकी बुनाई हो जाएगी और इसका जायका भी अच्छा हो जाएगा। ये है कि एक दिन दाल खा ली, एक दिन दाल वाले पराठे खा लिए, जो दाल बच गई उसमें अंडा डाल दिया,